हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट के अपडेट के साथ। अगर हम बात करें यूएस मार्केट्स की तो डाउ जोन्स अभी 283 पॉइंट ऊपर, 283 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। S&P 500 43 पॉइंट ऊपर है एंड नैसडेक 100 कल डेढ़ साल की सबसे बड़ी गिरावट के बाद आज वापस से अराउंड 1.5% 186 पॉइंट डाउन है। एंड अगर हम जर्मनी की बात करें तो डैक्स 52 पॉइंट डाउन है, कैक फ्रांस का मार्केट 32 पॉइंट अप है एंड फुटसी यूके का मार्केट 33 पॉइंट अप है। तो चलिए अब बात करते हैं कमोडिटीज की। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $103 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, ब्रेंट क्रूड का $102 के नीचे जाना बहुत जरूरी है किसी भी बड़ी रैली के लिए इंडियन मार्केट्स में। एंड अभी जो है मार्केट्स, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्केट्स विल रिएक्ट टू मैक्रोस फैक्टर रादर देन एनी टेक्निकल लेवल्स इन द मार्केट। तो अभी आपको मैक्रोस पे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें सबसे पहला क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड एंड दूसरा डॉलर इंडेक्स। तो ब्रेंट क्रूड अभी $103 पे ट्रेड कर रहा है एंड अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है। डॉलर इंडेक्स न्यू हाईज पे हाईज मारता जा रहा है। आज का इंट्राडे हाईज का 103 103 के भी ऊपर था, अभी अराउंड उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड हमको ये चाहिए 99.5 के नीचे। 99.5 का नीचे डॉलर इंडेक्स जब तक नहीं आएगा, इंडियन मार्केट्स के लिए कोई भी बड़ी रैली एक्सपेक्ट करना मुमकिन नहीं है। तो चलिए अब मार्केट्स की बात करते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आउटलुक की। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज ग्लोबल वीक ग्लोबल क्यूज पे रिएक्शन दिया। कल डाउ 800 पॉइंट एंड नैसडैक 400 पॉइंट डाउन था, जिसकी वजह से आज का सेशन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल सेशन था। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 17,000 का लेवल आज डिफेंड तो किया, लेकिन इंट्राडे में बहुत वॉलेटिलिटी थी, जिसकी वजह से एक बार को हम 17,000 के नीचे भी गए थे। अगर आज के लो की बात करें तो आज का लो है 16,960 एंड उसका कारण था डाउ फ्यूचर्स का अचानक से 300 पॉइंट गिर जाना एंड देन वापस जो रिकवरी आई थी मार्केट्स में उसका भी वही सेम कारण था, डाउ फ्यूचर्स का 300 पॉइंट ऊपर चढ़ जाना। नाउ ग्लोबल मार्केट्स आर स्टेबल एज ऑफ नाउ एंड ब्रेंट क्रूड इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट 103 USD एंड आज अगर हम मार्केट्स में बात करें तो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के बाद बजाज फाइनेंस आज का टॉप लूजर था एंड टू व्हीलर स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स जो हम पिछले 3 दिन से आपको कह रहे हैं आज भी अच्छे ऊपर बंद हुए हैं। एंड इंडियाज बिगेस्ट IPO LIC इज कमिंग नेक्स्ट वीक एंड कल की बात करें तो कल मंथली एक्सपायरी भी है एंड एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बायोकॉन, IIFL फाइनेंस, इंडिया मार्ट, लॉरस लैब, SBI लाइफ, वेदांता अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट्स में रहेगा। अगर हम निफ्टी के EMAs की बात करें तो निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो EMA 10 विच इज अराउंड 17,214 एंड EMA 21 जो है 17,273 एंड EMA 63 जो कि है 17,257 एंड निफ्टी अभी EMA 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें कल के लिए तो निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट आज की डेट में है 16,850 ऑन क्लोजिंग बेसिस। If you take this 16,850 on closing basis on Nifty is strong supports for tomorrow. And resistance की बात करें तो resistance आपका सबसे पहला 17,214 EMA 10 का जो आ रहा है एंड उसके बाद ये ऊपर 17,240 से 17,300 जो मैं पिछले एक हफ्ते से आपको बता रहा हूँ, ये आपका resistance zone होगा कल निफ्टी के लिए। और कल monthly expiry भी है तो volatile session रहने वाला है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन के डेटा की बात करें तो निफ्टी का 28 अप्रैल 2022 का ऑप्शन का डेटा क्या कहता है,
ऑप्शन का डेटा अगर हम कॉल लेटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉल लेटर्स हैं आपके अराउंड 17,300 पे, 17,300 पे 1,63,112 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि अराउंड 81 लाख कॉल लेटर्स यहाँ पे खड़े हैं। अगर हम बात करें 17,200 पे तो 17,200 पे अराउंड 77 लाख कॉल लेटर्स खड़े हैं, एंड 17,100 पे आपके अराउंड 69.85 लाख, अराउंड 70 लाख कॉल लेटर्स खड़े हैं, एंड 17,000 पे जो एट द मनी है यहाँ पे भी अराउंड 62 62 लाख कॉल लेटर्स खड़े हैं। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो हाईएस्ट पुट राइटर 17,000 के पुट पे हैं, विच इज अराउंड 1 करोड़, 1 करोड़ पुट राइटर्स हैं आपके ऑन 17,000 का पुट। 16,900 के पुट पे आपके अराउंड 46 लाख पुट राइटर्स हैं, एंड 16,800 के पुट पे आपके अराउंड 41 लाख पुट है। तो आपका जो रेजिस्टेंस जोन है 17,200 से 17,300 का, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन के डेटा में भी साफ दिख रहा है, एंड सपोर्ट 16,850, 16,800 से 16,900 के बीच में, एंड अगर आप उसके नीचे जाना चाहें तो 16,500 पे, 16,500 पे भी पुट राइटिंग है अच्छी खासी। तो कल के लिए मार्केट का सपोर्ट जोन वही है 16,850 एंड 16,850 से 16,620। अगर मार्केट किसी भी कारण नीचे खुलता है तो 16,850 से 16,620 का सपोर्ट जोन है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड रेजिस्टेंस 17,240 से 17,300। अगर हम निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर अभी है अराउंड 0.75, विच इज नीदर ओवरसोल्ड नॉर ओवरबॉट, तो ये अभी न्यूट्रल है। मार्केट्स विल रिएक्ट टू मैक्रो फैक्टर्स एंड ग्लोबल क्यूज। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक इज इन सेम ट्रेडिंग जोन, नो क्लियर ट्रेंड इज इमर्जिंग इन निफ्टी बैंक, एंड निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द ईएमएस। निफ्टी बैंक का ईएमए 10 है अराउंड 36,500, ईएमए 21 है अराउंड 36,600, एंड ईएमए 63 है अराउंड 36,660, एंड ईएमए 200 है अराउंड 36,400, एंड आज की क्लोजिंग है अराउंड 36,000। तो अगर हम निफ्टी बैंक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें कल के लिए तो सबसे पहला सपोर्ट आएगा 35,500, 35,500 इज मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी बैंक फॉर टुमारो, एंड उसके नीचे 35,000। तो 35,000 टू 35,500 इज सपोर्ट फॉर निफ्टी बैंक टुमारो, एंड रेजिस्टेंस इज सेम 36,500 से 37,000। एंड अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन डेटा 28 अप्रैल 2022 मंथली एक्सपायरी का क्या बता रहा है। अगर हम कॉल लेटर्स की बात करें तो 36,000 के कॉल पे, 36,000 के कॉल पे अराउंड 29 लाख कॉल लेटर्स हैं, एंड अगर हम 36,500 के कॉल पे बात करें तो 36,500 पे अराउंड हाईएस्ट कॉल रेटिंग है 36 लाख, जो कि रेजिस्टेंस जोन भी है, ऑप्शन चेन डेटा से भी आपको ये दिख रहा है। 36,500 पे आपके अराउंड 36 लाख कॉल लेटर्स हैं, एंड 37,000 पे की कॉल पे आपके अराउंड 28 लाख कॉल लेटर्स हैं। तो 36,500 टू 37,000 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी बैंक फॉर टुमारो। अगर हम पुट की बात करें तो 36,000, 36,000 के पुट पे आपके अराउंड 31 लाख पुट राइटर्स हैं, एंड 35,500 के पुट पे अराउंड आपके 20 लाख पुट राइटर्स हैं, एंड 35,000 के पुट पे अराउंड आपके 21 लाख पुट राइटर्स हैं। दीज आर ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट डेटा। अगर हम निफ्टी बैंक के पीसीआर की बात करें तो निफ्टी बैंक का पीसीआर ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है, 0.68 पे है। मार्केट विल रिएक्ट ऑन कल, हाँ कल एक इम्पोर्टेंट एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी है तो उस पे भी निफ्टी बैंक का रिएक्शन आ सकता है, एंड ग्लोबल क्यूज एंड मैक्रोस
पे तो मार्केट अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए रिएक्शन देने ही वाला है। अगर हम बात करें FIIs एंड DIIs की, तो FII ने आज 4,064 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में, एंड DIIs ने आज 1,917 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में। टिप ऑफ द डे आपके लिए सेम रहेगा जो मैंने आपको कल भी दिया था, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग बिलो EMA 63, तो डू नॉट कैरी एनी बिग ओवरनाइट पोजिशन इन द मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।